तो महाराज सुग्रीव प्रभु राम को ये बताते हैं कि महाराज हाँ। आपके कार्य में एक गिलहरी बाधा पैदा कर रही है। महाराज सुग्रीव बताते कहते क्या क्या प्रभु ये बदन पे बोले तलपेटे हुए वो देखो कि लहरी चली आ रही है। वो गिलहरी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहती है कि प्रभु अरे कुछ सेवा कर पाऊं सफल हो जाऊं 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 कुछ सेवा कर पाऊं सफल हो जाऊं। प्रभु सफल हो जाऊं सेवा कर पाऊं सफल हो जाऊं सेवा कर पाऊं सफल हो जाऊं। और कहा प्रभु मेरी तो नन्ही सी जान है मैं इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे उठाऊं। जय हो ए आप किसे नाम बेकार है भावना में कर भाव है तो भव से बेकार है। गिलहरी की भावना को प्रभु राम समझ जाते हैं अपने हाथ में उठा लेते हैं हाँ। और गिलहरी की पीठ पे अपना हाथ फेरते हैं आज भी गिलहरी की पीठ पे पांच उंगलियों के निशान हो। प्रभु राम ने गिलहरी को वरदान दिया कि चाहे जानबूझ के अनजाने में किसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो उसे ब्रह्म हत्या बराबर पाप लगेगा। जय हो। तो आज प्रभु राम उठा लेते हैं अरे है उठा लिया प्रभु ने और अपनी ओर की प्यारे ओ एक हाथ उसके ऊपर एक हाथ उसके ऊपर और एक हाथ उसके नीचे अरे है उठा लिया प्रभु
हाथ जोड़कर प्रभु राम से कहती है, प्रभु प्रभु आपने मुझ नन्ही जान पर, मुझ दीन पर जो दया की, क्या कहती गई